ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੋਇਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਅਰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ पातशाह जी राग आपके चरणों का गाऊं धुन आपके इश्क की बजाऊं पातशाह जी राग आपके चरणों का गाऊं धुन आपके इश्क की बजाऊं पातशाह जी कीर्तन करते करते सहज जीवन बन जाए गुरबाणी गाते गाते बाणी रूह का सुकून बन जाए पातशाह जी कीर्तन करते करते सहज जीवन बन जाए गुरबाणी गाते गाते बाणी रूह का सुकून बन जाए मैं अनजान से आपके प्यार की जानकार बन जाऊं पातशाह जी राग आपके चरणों का गाऊं धुन आपके इश्क की बजाऊं पातशाह जी अपनी दया और प्रेम से सुर ताल बख्शिश करना अपनी संगत से आसन दीवार बख्शिश करना आपके गुणों को गाते सुनाते कीर्तनकार बन जाऊं पातशाह जी राग आपके चरणों का गाऊं धुन आपके इश्क की बजाऊं पातशाह जी अपने इश्क में दीवानी बना देना पातशाह जी अपने इश्क में दीवानी बना देना आद अंत और बुराइयों का भरम मिटा देना रूहानी इश्क की मस्ती में अभेद हो जाऊं पातशाह जी राग आपके चरणों का गाऊं धुन आपके इश्क की बजाऊं। वाह, थैंक यू।